सो गाइज, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेरे एक दिन की अर्निंग है, विच इज़ 11,000 रुपीज़। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोटिवेट करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग में इतना पोटेंशियल है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं तो कुछ भी अर्न नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे से छोटे हैं उम्र में, जो 19 साल के बच्चे हैं, मैं तो 26 साल का हूँ, 19 साल के बच्चे भी इतना अच्छा अर्न करते हैं, 50-50 हज़ार रुपये एक दिन का, वो भी ऑनलाइन अर्निंग, हलाल का, सही तरीके से और सही चीज़ से, और सामने वाले की हेल्प करके। वो भी ऐसे भी नहीं है कि कुछ अलग ही चीज़ कर रहे हैं हाँ। भाई। अगर आप इंटरेस्टेड हो ना, मैसेज करो, स्टार्ट करो। अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम, माय वालेकुम, नेम इज़ आई एम परम, हरमन, आई एम मंजू। वेलकम वेलकम बैक बैक टू टू आवर आवर चैनल चैनल गाइस। सो गाइस। वी आर बैक अगेन विद अनदर न्यू वीडियो बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। दिस इज़ वी एंड अवर इस्लाम बाय मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, एंड देखते हैं कि आज क्या होने वाला है, इसमें क्या बिल्कुल बताने वाले हैं वो। कुछ ना कुछ इमोशनल वीडियो है ये, एंड इसमें बहुत ज़्यादा लाइक मोटिवेशनल वीडियो होगा एक इंसानियत के लिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस बहुत वीडियो। ज़्यादा है, लेकिन एक क्रिटिकल बात जो आज सुबह मेरे जहन में आई, वही आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कुरान हकीम में एक आयत है, सूरह अल आराफ की आयत नंबर 179। ये कुरान हकीम में चंद सख्त तरीन आयात में से है, और इसमें अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल ट्रुथ और बड़ी ही एक डेंजरस खबर इंसानियत तक पहुंचाई गई है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہم نے پیدا ہی دوزخ کے لیے، اللهم اجرنا من النار، آمین. لیکن یہ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ریزن بھی بتائی ہے، یہ اللہ کا ایکسپرٹ اپینین ہے कि ये जो इंसानियत और जिन्नात यहां पे आबाद हुए हैं, इनमें से अल्टीमेटली अक्सरियत दोजख में ही जाएगी, बड़े कम लोग होंगे जो जन्नत में जाने में कामयाब होंगे। तो सूरतुल असर में भी आया, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाना गवाह है इस बात में कि सारी इंसानियत घाटे में है, सवाए उन लोगों के जो ईमान ईमान ले आए, नेक अमाल किए और नेकी की तलकीन करते रहे और सब्र की तलकीन करते। इसके अलावा पूरी की पूरी इंसानियत घाटे में, और देख ले जमाना गवाह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मुखालफीन तबाह बर्बाद कर दिए गए, सिर्फ 78 लोग जो है वो कामयाब हुए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दो बेटियां उनके साथ बचाई गई, उनकी अपनी बीवी भी और पूरी कौम तबाह कर दी गई, पूरी इंसानियत घाटे में चलती है, सवाए उन लोगों के जो ईमान ले आएंगे, नेक अमाल इख्तियार करेंगे और हक बात की तलकीन करेंगे और सब्र। यहां पे सूरह अल आराफ की आयत नंबर 179 में है कि बेशक जिन्नों और इंसानों की अक्सरियत पैदा ही दोजख के लिए होती है। लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा, उनको हमने दिल दिए थे, अक्ल दी थी, लेकिन वो उससे सोचते ही नहीं। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, उनको हमने आंखें दी थी, लेकिन आंखों से देखने का सा देखना नहीं देखते, इबरत नहीं पकड़ते। وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, और उनको हमने कान दिए थे, लेकिन सुनने वाला सुनना सुनते ही नहीं। أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ, ऐसे लोग जो पायों की मानिंद हैं बल्कि उनसे भी बदतर हैं, जो अपनी अकल आंखें और कान इस्तेमाल करके हक बात तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ, ऐसे ही लोग हैं जो असल में गाफिल। तो अल्लाह ताला ने ये यानी इसमें एक गैबी खबर दे दी है कि अल्टीमेटली ये होने वाला है। मतलब क्या कि आप जिसने तैयारी करनी है वो खुद तैयारी कर ले। इसको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ कि इस वक्त तकरीबन यहाँ पे 80 के करीब लोग बैठे हैं, और मैं ये कहूँ कि मैं एक गोली चलाऊंगा जिसको भी लग जाए, तो हम में से क्या हर शख्स ये सोचेगा कि यार एक ही गोली है, 80 बंदे हैं, किसी और को ही लगेगी, जरूरी है मुझे ही लगनी है? ऐसा तो कोई नहीं सोचेगा, सब दुड़की लगा देंगे। लेकिन आखिरत का मामला क्या है? बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीस है मुत्तफ़िकुन अलैह कि आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि जन्नतियों और दोस्तियों को अलग करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे कि ऐ अल्लाह कितने जन्नती और कितने दोस्ती, तो अल्लाह ताला फरमाएगा हर 1000 में 999 दोस्ती और सिर्फ एक जन्नती। समझ गया।
समझ रहे हो, यहाँ अगर हजार बंदा और मैं कहूँ एक गोली चलेगी, हर बंदा भागने की कोशिश करेगा। लेकिन आखिरत के बारे में ये हाल है कि हर एक बंदा ये उम्मीद लगाए हुआ है कि वो जो एक बचेगा ना वो मैं हूं, और इधर हजार बंदे के ऊपर एक गोली चलाई जाए तो हजार का हजार सोचेगा जो एक हटकेगा वो मैं होगा। बिल्कुल 180 डिग्री सोच है। या इसको यूं समझे कि मैं क्योंकि एक गोली चलाऊंगा 999 बच जाएंगे, एक कोई लगेगी, कोई नहीं कहेगा यार 999 बचने हैं तो चलो एक मैं भी उनमें बचने वालों में होगा, लेकिन कितने मैं ही ना फंस जाऊं। और आखिरत में तो मामला बिल्कुल उलट है, बहुत क्रिटिकल इशू है। इंसान को अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, अल्लाह को सीरियस लेना चाहिए। जो लोग दुनिया में अल्लाह को सीरियस लेते हैं वही अपनी इस्लाह कर, वरना अल्लाह तो बेपरवाह है। यकीन करें पूरी की पूरी इंसानियत दोजख में चली जाए अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, पूरी की पूरी इंसानियत जन्नत में चली जाए अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। और ये जो अक्सर लोग मिसालें देते हैं कि देखें कोई माँ अपने बच्चे को कैसे दोजख में फेंक सकती है, तो अल्लाह ताला तो माँ से भी बढ़ के मोहब्बत करता है, वो कैसे फेंकेगा? भाई इसलिए फेंकेगा कि अल्लाह ताला के वो एहसासात नहीं है जो एक माँ के होते हैं। माँ तो अपनी नफसानी ख्वाहिश या मोहब्बत की वजह से मगलूब हो जाती है, लेकिन अल्लाह मगलूब नहीं। और अल्लाह माँ का तो एक ही बेटा होता है। अल्लाह ताला क्या फिरौन से उसकी माँ से बढ़ के मोहब्बत करता है जो उसका बागी है? ये मोहब्बत तो उन लोगों के लिए जो उसके ताबे फरमान हो, जो अल्लाह के दुश्मन है उनके बारे में तो अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून, हम मुजरमों से इंतकाम लेके छोड़ो। उनके लिए ये मामला नहीं है। हमें तो ये बताया गया है अल्लाह ताला एक बूढ़ी नानी अम्मा है जिसने ये एक नऊज़ बिल्लाह एक सिस्टम चलाया हुआ है, एंड पे सब कुछ छोड़ देगा ना। अगर ये बात होती तो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की तालीमात इस तरह की ना होती कि लोग जो है वो कैजुअल जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं। बड़ी स्ट्रिक्ट तालीमात। जामे तिर्मिज़ी में हदीस है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम के बारे में आता है कि वो जब कभी कब्रिस्तान जाते हैं तो इतना रोते हैं कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। तो साहब पूछते हैं कि आपके सामने जब जहन्नुम का जिक्र होता है आप पे इतनी खशियत तारी नहीं होती, लेकिन कब्रिस्तान में कब्र के सामने ये मामलात आपके साथ क्यों होते? तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से खुद सुना था कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जिसकी ये मंजिल फंस गई उसकी अगली मनाजिल मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल दर, और जिसकी ये मंजिल आसान हुई उसकी अगली मनाजिल आसान होती। ये वो शख्स कह रहा है जिसे तीन दफा जन्नत की बिशारत मिली, हमारे पास कोई जन्नत का टिकट नहीं है और हमारी बेपरवाही अपने उरूज के ऊपर। इसी को पंजाबी में कहा जाता है ना, अकल ना होवे ते मौजे ही मौजा, अकल होवे ते सोचे ही सोचा। जिसे अकल नहीं होगी वो मौजे मारेगा क्योंकि उसे पता नहीं है ना, लेकिन जिसे अकल होगी वो सोचेगा कि यार ये मामला तो बड़ा खतरनाक हो गया। बुखारी में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप एक जगह से गुजरे, कुछ असहाब आपस में यानी हंसी मजाक करते हुए हंस रहे थे, तो आप खड़े हो गए, आपने फरमाया जो कुछ मैं जानता हूं ना अगर तुम जान लेते तो बहुत कम हंसते ज्यादा रोया करते, बहुत सीरियस केस बन। कहीं मुस्लिम में हदीस है आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि मैं अल्लाह से दुआ करूं कि तुम्हें अजाबे कब्र सुनवा दे, दिखाने वाली तो कहानी खत्म सर सुनवा दे, लेकिन मुझे डर हुआ कि अगर तुमने अजाबे कब्र सुन लिया तुम अपने मुर्दों को दफना नहीं छोड़ दो, ऐसी खशियत तुम पे तारी हो। लेकिन ये अल्लाह ने सब कुछ पर्दे में रखा हुआ सर। सही बुखारी में हदीस है कि मैयत जो है वो चारपाई पे कलाम करती है, नेक मैयत कहती है मुझे जल्दी जल्दी मेरी जगह की तरफ ले चलो, और जो बुरी मैयत है वो चीखों पुकार करती है कि मुझे कहां लेकर जा रहे हो। और नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज है सही बुखारी में कि जमीन और आसमान की हर मखलूक उसकी चीखें सुनती है सवाए जिन्नों और इंसानों के, क्योंकि जिन्नों और इंसानों को अल्लाह तआला ने गैब के पर्दे में ये चीजें रखी है ना, उसी के ऊपर तो जन्नत है। इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलगैब लहुम मग़फिरतुन व अजरुन कबीर, जो लोग बिन देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए मग़फिरत है और अजर कबीर है। देख के तो सबने मान लेना है। फिर सर इससे भी आगे अगर आप चले जाए, सही बुखारी में हदीस मौजूद है कि जब मैयत को सवालात के जवाब नहीं आते ना तो रिश्ते उससे पूछते हैं कि तूने सवालात के जवाब जो नहीं आए कि क्या मामला तेरे साथ हुआ, तो वो कहता है मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे। सुन सुना के सुननी टुननी,
पढ़ पढ़ा के सुननी नहीं। फरिश्ते कहते हैं तूने खुद पढ़ के समझने की कोशिश क्यों नहीं। फिर फरिश्ते उसे एक गुर्ज मारते हैं जिससे वो जमीन के ऊपर बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, पैरेलल हो जाता है जमीन में, खाक बन जाता है। और उसकी जो गुर्ज की अगेंस्ट उसकी चीखों पुकार है, उसको जिन्नों इसके अलावा तमाम मखलूकात अगर ये सुन ले तो जाहिर है ये तो फिर इंसान के बच्चे ना बन जाए। ये अल्लाह ने पर्दा रखा है, वरना तो आप बड़े बड़े बुजुर्गों को दफना के निकल रहे हो ना, उनके पर्दे जो है ना वो जनाजा यानी इस कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचते भी सारी बुजुर्गी खुल गई हो। दलाल की बात पीछे से आ जाए, लोग ऐसे बुजुर्गी का दावा भी फिर छोड़ देंगे, डरते रहेंगे। तो ये अल्लाह ने पर्दे रखे। गाइज, दिस वॉज अ रिएक्शन ऑन मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, एंड ये बहुत बेहतरीन वीडियो था। इसमें जो आई ओपनिंग रिमाइंडर जो उन्होंने दिया है ना, जो उन्होंने बताया कि 1000 में से सिर्फ एक बंदा ही जन्नती है और सारे के सारे 999999 बंदे जाएंगे दोजख में। आप सोचो कितने कम लोग, खुशकिस्मत लोग हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल होना चाहते हो, और अगर आपको वो वाली कैटेगरी में फॉल होना है तो अल्लाह की इताअत करनी पड़ेगी, अल्लाह जो कहते हैं वो करना पड़ेगा। रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बता के गए हैं, जो सुन्नत बता के गए हैं, उस पर अमल करना पड़ेगा। फ़र्ज़ पूरे कर लो यार, जो है वही कर लोगे तो कितनी अच्छी बात है ना। एंड स्लोली स्लोली इंसान सुधरता है। अगर इंसान बिगड़ा भी हुआ है ना तो वो सुधर भी सकता है। सुधरो बस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।